Everyone hold the book. Everyone hold the book. Great Tara Singh, great Indian Thank wrestler. You. We are launching a comic book. Launch of the comic book. The great Tara Singh. We have with us Mr. Bindu Tara Singh, Mr. Naveed Jaffrey on this launch. The great Tara Singh, the great Indian wrestler. Zara Aga Ji, who are here, part of this amazing comic book launch event. बेटे आपके पापा क्या करते हैं? बोलते मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार, ये जो बोलने जा रहा हूं इसमें तो जरूर नौजवान खुश हो जाएंगे। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में सारे पढ़ लिए पापा ने रात में। हालांकि हम कोई खत लिखता नहीं। सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गए। सो यहां सारे सुपरमैन बड़े बड़े काउंटर्स यहाँ पर लगे हैं इंटरनेशनल, लेकिन मैं एक देसी बात बताऊं अपने हिंदुस्तान की। आप सब को पता है वैसे, लेकिन जहां तक आवाज जा रही मेरी मैं उनको बताऊं, सुपरमैन बैटमैन ये तो सब हुए हैं बाहर के, लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने क्या दिया है? हिंदुस्तान का अपना, इंडिया का अपना, जिसने जन्म हिंदुस्तान में लिया, जीता जागता सुपरमैन, और हिंदुस्तान के पंजाब के अमृतसर में जन्म लिया और दुनिया के तमाम रेसलर्स को, पहलवानों को पछाड़ा, चित किया। मैं जब नाम लूंगा आप सब जानते हैं, और बड़े गर्व के साथ और शान के साथ मैं नाम ले रहा हूं। ये कोई फिक्शन करेक्टर नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है, कोई क्रिएट नहीं किया गया है, वो है अपने हिंदुस्तान के अपने ओन तारा सिंह जी। तारा सिंह रंधावा है कि नहीं? ये मान जाए तो बड़ी बात है, सही बोला ना मैंने? वाह वाह वाह। सो लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे साथ चलते फिरते जोक हो जाते हैं। अभी मैं गाड़ी से उतरा, एक आदमी आया, मैं बड़ा खुश हो गया मिलने के लिए। बोले हेलो, अरे आपने टीवी बहुत देखा है, जिंदा पहली बार देखा है? तो मैं समझ गया, हो सकता है वो लाइव कहना चाह रहा होगा। आपने मान लिया भाई लाइव लाइव कह रहा होगा। तारा सिंह साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, हीरो रहे, बहुत बड़े रेसलर रहे, दुनिया के तमाम पहलवानों को उन्होंने चित किया, इससे मुझे याद आ गया मैं भी जिम जाता हूँ। पक्का पक्का मैं जिम जाता हूँ, बुरा नहीं मानना, जिम में चला जाता हूँ।
अच्छा जिम में मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम जाएगा ना जिम, जैसे ही ज्वाइन करता है पेमेंट करता है, उसको फर्स्ट ये लगता है आज जिम को लूट लो, आज पैसे वसूल लो। अंदर घुसते एक ट्रेनर को बुलाएगा, अरे ओ अरे वो जो कर रहे हैं ना उसके जैसा मेरे को थाई मांगता है, हो जाएगा ये मैं करके देगा, ये मैं करके देगा। वन ईयर तेरे को रेगुलर आना पड़ेगा, हाँ रेगुलर आएगा ना, टाइम पे आएगा, डिसिप्लिन आएगा, ऐसा थाई करके देगा। अच्छा वो जो है ना उसके उधर खड़ा ना चुकरा, उसकी तरह मेरे को बाइसेप मांगता है, बाइसेप ये मैं करके देगा। 9 मंथ आएगा ना बराबर, मेरे हिसाब से डाइट वाइट लेगा ना, ऐसा करके देगा। अच्छा वो जो कर रहे हैं ना वो, उसकी जैसे मेरे को चेस्ट मांगता है, चेस्ट ये जन्म में नहीं होएगा, वो छोकरा नहीं छोकरी है। सो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि भाई साहब मैं आया हूँ एक फ्लाइट से, वो है तो अपनी फ्लाइट है, इंडिया की फ्लाइट है भाई साहब, लेकिन सच्चाई भी बताना चाहिए, मैं एयर इंडिया से आया हूँ, एयर इंडिया से आया हूँ, पूरी बात कुछ नहीं है अपनी एयरलाइंस है, लेकिन भाई साहब ये भी सच्चाई है कि दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर ही नहीं हो रही, जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा, जरा से लेट हो जाओ एयर हॉस्टेस बोलती है ये भाई आने का टाइम, माँ झपट खींचती कह रह गया था पायलट तुमको ढूंढने गया है। इनको प्राइवेट एयरलाइन से सीखना चाहिए, प्राइवेट एयरलाइंस में आप एंट्री करिए, बोर्ड होइए, जो वेलकम होता है गेट पे खड़ी होगी, कहाँ रह गए थे हम लोग, कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम फॉलो मी, पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के पीछे जाता है, बोले था सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। एक बार मुझे अच्छा जापानी लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, हम लोग शो के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं, जो जापानी लोग होते हैं फ्लाइट में मैंने देखा, ये हर छोटी सी बात ऐसा रिएक्ट करते हैं कि लगता है उन्होंने शायद आपकी पॉकेट में बम देख लिया। मुझे सिंपली वाटर चाहिए था, मैंने पानी मांगा, टंग टंग घंटी बजाई, एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर, वाटर यू वांट वाटर सर, यू वांट वाटर, यू वांट जस्ट नाउ वाटर, लेटर वाटर, वाटर। हमने कहा इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ निर्जल। सबसे ज्यादा मैंने परेशान उस शख्स को देखा है जिसकी सीट फ्लाइट में पड़ जाती है वॉशरूम के सामने, इंटरनेशनल फ्लाइट में वॉशरूम के सामने फ्लाइट, उसका थोड़ा नींद आया आंख लगा, वॉशरूम से फ्लश का आवाज आएगा, ये जाग जाता है, कोई धो रहा है, 5 मिनट वेट किया कोई निकले नहीं, खुद ही बोलता है पैंट पहनने में इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा कभी खाने का ऑर्डर लेने आते ही मालूम कैसे आएंगे, लाल में पैसेंजर के मुंह में झुक जाएंगे पूरा, व्हाट यू प्रेफर वेज नॉन वेज। अब इधर वाले को तो अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले का फेस ऐसा रखता है, ऐसा रखता है। क्या कहती हूँ, डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी, इससे पूछती यू वेज नॉन वेज, अभी समझा नहीं, कह रहे सब कुशल मंगल है। नो नो आई बीन योर शाकाहारी मांसाहारी, बिहारी बिहारी। दोस्तों आज मैंने शोज बहुत सारे किए होंगे, इवेंट्स किए होंगे, आपने टीवी पे देखा होगा, लेकिन आज मुझे यहाँ आके बहुत प्राउड फील हो रहा है, और उस सुपरमैन के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई, उनका आशीर्वाद भी मिला, और उनके ऊपर ये जो कॉमिक बुक आज रिलीज हुई है, हमें लगता है जितने भी काउंटर्स हैं सब होंगे अपनी, लेकिन ये कैरेक्टर हमारा अपना है, अपनी कंट्री का, हमें वो प्यार और वो सम्मान देना चाहिए। दारा सिंह रंधावा के इस कार्यक्रम को, इस प्रांगण को, तो दारा सिंह जी 1928 में बॉर्न हुए थे पंजाब में, 1928 में बॉर्न हुए थे, उनका पूरा नाम था मतलब है दारा सिंह रंधावा। रंधावा को अगर मैं तोड़ के बताऊं, रण, रण मीन्स युद्ध,
रण मीन्स युद्ध, धावा, धावा मीन्स सिपाही, सोल्जर, जिनके नाम में ही था सिपाही की तरह युद्ध करना, सोल्जर की तरह युद्ध करना, और उन्होंने कर दिखाया उस जमाने में जब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतना सपोर्ट नहीं था, और इस स्पोर्ट्स को उस तरह से लोग इंडिया में जानते नहीं थे। उस समय उन्होंने वर्ल्ड के तमाम रेसलर्स को हराया। बहुत उनकी छोटी सी एक स्टोरी है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए किसान, 4-5 साल की उम्र में खेती में हाथ बटाने लगे पापा का, बहुत स्ट्रगल किया, भूखे रहे, परेशान रहे, खेती कम थी, हार के परेशान होके जब वो 20 ईयर्स के हुए, इतनी छोटी एज में सिंगापुर चले गए थे। सिंगापुर में मजदूरी की और किसी तरह से अपने आप को संभालते रहे, तैयार करते रहे, और वो दारा सिंह हिंदुस्तान में बना, हिंदुस्तान में क्रिएट हुआ, पूरी दुनिया ने उसे जाना दारा सिंह रंधावा। तो आज दारा सिंह के चाहने वाले यहाँ पर जमा हुए हैं, उनके फैंस जमा हुए हैं, इसमें से कोई भी आउटसाइडर नहीं है। जो दारा सिंह को दिलो जान से चाहता है वो यहाँ पर आए हैं एक उनको सम्मान करने के लिए। सबसे पहले मैं एक ऐसे पर्सनालिटी को इनवाइट कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथी हैं, टीवी की एक अच्छी सेलिब्रिटी है, पर्सनालिटी है, डांस की दुनिया में ये दोनों भाइयों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, जावेद जाफरी और नावेद उनके छोटे भाई, इनका प्रोग्राम आप लोगों ने इतना सराहा, इतना पसंद किया, बुगी बुगी सोनी चैनल पे आता था, और ये भी एक बहुत बड़े कॉमेडियन के बेटे हैं, जो बच्चे नहीं जानते, जगदीप एक कॉमेडियन हमारे बॉलीवुड में हुए हैं, उनके साहबजादे हैं, जावेद जाफरी भाई हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। आप भी वही तालियों से इन्हें नवाजें, प्यार दें अपना। नावेद, नावेद और जोरदार, ये नावेद मेरा यार सिर्फ दारा जी की मोहब्बत में यहां पर पहुंचा है, और ये बताने के लिए कि हम सब दारा जी को कितना प्यार करते हैं, कितना उन पे कमेंट करते हैं, कितना गर्व करते हैं, मैं चाहता हूं नावेद दो अल्फाज जरूर बोले अपने फैंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर टू दिस कॉमिक कॉन, इट नो इट हैपेंड इन बॉम्बे। I'm a big fan of comics, Superman, Batman, and all these Spider-Man characters. I've been reading all these comics, and it's so nice to be here. But we are here for a reason, and the reason is Dara Singh uncle. We have known him as we were kids, and we have actually seen him. He's a gentleman and a name, Rustam e Hind, and he's created a name in all over the world. 14 consecutive years he remained world champion, and we didn't know at that time because we were kids. Then we grew up and slowly realized what a man he was, and the respect. And his son Bindu is a very dear friend of ours, and I'm here for him and Dara uncle. So all the best, and thank you so much. Thank you, Naveen. और ये दारा जी के भाई के बेटे हैं, उनके घर वाले आ गए हैं, शाद के लिए तालियां बजाइए। ये वो लोग नहीं है जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, आपके अपने हैं। इन्होंने जन्म हिंदुस्तान में लिया और ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान प्यार करता है। शायद शायद मैं चाहूँगा बहुत प्यारे प्यारे लोगों के सामने आपको कुछ बोलना चाहिए। जी नमस्कार, थैंक यू ऑल वेरी मच कि आप लोग यहाँ पर आए। दारा जी के बारे में क्या कहूँ, लेजेंड, जितनी बड़ी हस्ती थे वो उससे कई ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, उनसे बेटर ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि मैंने एक बार उनसे पूछा था कि मैं उन्हें प्यार से बड़ा डैडी बोलता था, तो मैंने एक दिन उन्हें उनसे बड़े प्यार से पूछा कि बड़ा डैडी क्या आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हो जैसे सब कहते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं बेटा, फिज़िकली तो मेरे से ज़्यादा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है वो अंदर से आती है। इट्स योर इंटरनल स्ट्रेंथ, इट्स योर परसिवियरेंस, हार्डवर्क, डेडिकेशन। और फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि अगर आपको सच्ची में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान दुनिया में बनना है
तो सबसे अच्छा इंसान है। अगर आपने वो कर लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। सो वही सीख हमें मिली है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड बिंदु भाई ने जो कॉमिक लॉन्च किया है, आई थिंक बड़ा डैडी जैसे इंसान इस देश के रियल सुपर हीरोज़ हैं, जो बहुत हम्बल बिगिनिंग से आए थे और एक अपना मकाम किया है। तो होपफुली इट इंस्पायर लॉट ऑफ यंग किड्स। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू राजा। थैंक यू शाह। और बहुत ज़बरदस्त ठंड, इतनी कोल्ड, हम लोग कांप रहे थे। तो मैंने दादाजी से कहा, दादाजी ठंड बहुत है, ठंडी बहुत है। तो बोले, ओ मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। तो मेरे कान में धीरे से बोले, लेकिन ठंडी लगती है। So, अब मैं उन्हीं की एक और फैन, एक और सेलिब्रिटी को आवाज दे रहा हूँ, जिन्होंने प्लेबैक किया, हिंदुस्तान में प्लेबैक किया, विदेशों में भी प्लेबैक किया, और इनका एक नगमा तो ऐसा छा गया निकाह फिल्म से, दिल के अरमां आंसू में बह गए, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। हम पहले उनको बुलाने से पहले मैं उनको थैंक यू कर रहा हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के आई है। तालियों के बीच सलमा आगा, जोरदार से जब तक आए तब तक तालियां बजती रहे। थैंक यू सलमा जी, इस खास मौके पर आई। हम सब जानते हैं कि आप भी दादाजी की बहुत इज्जत करती थी, तो मैं चाहूंगा दो शब्द आज उनके कॉमिक रिलीज पर। ये आज एक ऐसा ओकेजन है जिस पे पूरा हिंदुस्तान फख्र करता है, और बिंदु जी को आज देख के हाउ हैप्पी ही इज लिविंग हिज फादर्स फेम लव दैट ही हैड गिवन पीपल, and he has a great burden on his shoulders to carry his father's name, and this is great to see. aaj jo unke liye kiya ja raha hai iske wo mustahiq hai, sari duniya janti hai. ek chote se village se ek masoom sa ladka jisne hindustan ka naam itna roshan kiya ki hindustan unke naam se jana jata tha in the world of wrestling and bollywood of course. तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू कॉल बिंदु जी ऑन स्टेज एंड बिंदु दादाजी के बेटे, दादाजी के सन यहाँ पर हैं, बिंदु मेरा दोस्त, जोरदार तालियां साथ में, ज़ारा से मैं कहूँगा कि ज़ारा भी तशरीफ लाए, ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा खान, जारा और बिंदु, और ये हम सब साथी यहाँ पर दोस्ती में, बिंदु की दोस्ती में सब यहाँ पर इकट्ठा है दादाजी की मोहब्बत में। इस मौके पर अगर मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मोहब्बत का सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, मोहब्बत का सफ़र लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। मैं बिंदु को दूंगा माइक। Thank you, Raju Bhaiya, for being here. He was our most supportive system in Big Boss. That crazy house would have been madness if he was not there. When we were kids, everybody would say, "Tu apne aapko kya Dara Singh samajhta hai?" So today's kids, today's generation, I don't think says that dialogue, and that's the reason that we've taken up this comic book so that you can come to know what was a superhero for real of our country. I hope people read it. There's Disney, there's Marvel, there's all big, big people, but we have our own superhero first time in India taking out Dara Singh Ji's comic. I hope you all love it, like it and support it. Thank you. I'd like to get the team who did this, Maruk Mirza Ji, Caleb and George, who's designed each and everything in that book. I thought it would take us 3 or 4 months, but it's really tough work. It took an entire year. It's not easy to make a comic, guys. Whoever makes them, hats off to them. Well done. That's Caleb, that's Maruk Mirza who wrote all the dialogues and the story, and that's George. Thank you, these guys really put their hearts and souls inside this comic. And I really appreciate each and every person, whoever draws that comic book, because I really understand it's too hard. Thank you. Book zara dikha dijiye. Hamare sabhi ये हैं हमारे दादाजी,
हिंदुस्तान की शान दारा सिंह रंधावा और जोरदार थैंक यू। बच्चे वीडियो गेम छोड़ के गए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी दैट फॉर द यंगर जनरेशन जो कॉमिक कॉन आते हैं एंड यहाँ पे आके जितने भी आई थिंक इंटरनेशनल सुपर हीरोज हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, उसमें हमारे जो इंडियन हीरो हैं दारा सिंह जी इज फर्स्ट टाइम मैंशन हिज कॉमिक बुक इज़ आउट, आई थिंक इट्स वंडरफुल फ्रॉम आर साइड फ्रॉम इंडिया टू बी रिप्रेजेंटिंग दैट एंड टू बी हियर फॉर द बुक लॉन्च, इट्स रियल प्रिवलेज, सो आई एम वेरी हैप्पी and I recommend it to all the children, all the youngsters, read it, even I am going to read it, so best wishes for the book. हम तो बहुत इस बात से खुश हैं कि यहाँ किसी ने सोचा कि सुपर हीरोज जो फिक्शनरी हमारी बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं उनको इतना तूल और इतना दिया जाता है, तो ये तो एक भारत की ताकत का सिंबल थे। आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ जो है ये कॉमिक की सूरत में आई, इंग्लिश में आई, ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स तक ये अच्छी तरीके से जा सके और नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि हम लोगों के हिंदुस्तान में जो फिक्शनरी कैरेक्टर्स बाहर होते हैं वो इन रियल वी हैड अदारा सिंह हु वॉज एन इंडियन, एक छोटा सा लड़का जो एक विलेज में पैदा हुआ और उसने सारी दुनिया में इतना बड़ा नाम पैदा किया इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल रेसलिंग स्टेज पे, और 14 साल एक लंबा अरसा होता है, कोई भी चीज़ इतनी लंबी सर्वाइव नहीं करती, सो दारा सिंह वाज ग्रेट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग वी आर आल्सो वेटिंग फॉर अ ग्रेट फिल्म ऑन हिज बायोग्राफी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड और बहुत अच्छा लगा आज इस फंक्शन में। I am just a writer and we have teamed up together to make this comic of Dara Singh Sahab, Dara Singh Randhawa. Randhawa mane, run mane jang ka maidan, dhawa mane sipahi. Okay, now George, you speak up. Chal. Sir, two things. You have designed this comic book, normally, I have done a lot of comics, but दो महीने में कंप्लीट हो जाता था, इसको 8 महीने लगे, 8 मंथ, और इसमें बिलीव है क्योंकि दारा सिंह सर की लाइफ ही ऐसी इंस्पायरिंग है बहुत ज़्यादा। मेरे को दो इंसिडेंट बहुत तंग करते, एक तो जब भी मैं यंगस्टर्स को जॉइंट वगैरह पीते देखता, मतलब देर एन टू ड्रग्स, और पंजाब में जहाँ से मैं हूँ अमृतसर से बहुत, मतलब आई कैन नॉट जस्ट स्पीक आउट, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। तो थ्रू आर्ट मैं सोच रहा कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग, तो दिस इज माई काइंड ऑफ मास्टरपीस मेरी तरफ से कि मैंने सोसाइटी को आर्ट के थ्रू कुछ दिया है। और दारा सर की दो ही बातें मुझे बहुत सही लगती हैं, एक जिसमें से उन्होंने बोला था कि जो बंदे ड्रग्स वगैरह करते हैं या कुछ भी नशे करते हैं वो 2 घंटे के लिए मज़ा कर सकते हैं, लेकिन जिसकी सेहत अच्छी है वो 24 घंटे मज़े में है, आई मीन इन टू अनदर लेवल। और इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग नॉवल फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द यंग मैन, एक गरीब किसान वर्ल्ड चैम्पियन बनता है और 60s में जाकर के फर्स्ट एक्शन हीरो बनता है जिन्होंने सुपर हिट फिल्म दी है। आई हैव डायलॉग्स हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बोथ द वर्जन्स आर देयर एंड द फिल्म विल बी मेड वेरी सून ऑन दिस, द फिल्म इज ऑलरेडी गोइंग टू गो ऑन द फ्लोर। That is the story, this life journey of Dara Singh ji, the film also and this thing also, the comic mein a lot of things are there ke that bachchon ke liye bhi we have to inspire, the film is on a different scale, it's a huge film aur mom dad ke liye it's a gift kyunki mom dad hamesha kehte rehte hai ke junk food na khao ye wo, to humne isme dialogue jaise rakhe hain taki mom dad apne bata sake ke bhaiya ye dekho Dara Singh ne khaya tha
सो यू कैन हैव गुड फूड. तो उसमें एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करा है, प्लस डाइट इंट्रोड्यूस करा है, और इस तरह डिज़ाइन करा है कि ये मॉम डैड के भी काम आए, बच्चों के ही नहीं, सबके, ऑल ओवर. एब्सोल्युटली, आप जितना प्यार हिंदुस्तान ने दारा जी को दिया है, आई थिंक वी डिज़र्व टू गिव इट बैक. बहुत हमें मिला है इतना प्यार, मतलब जो जहाँ जाता हूँ पता नहीं कितने करोड़ों लोगों की लाइफ को उन्होंने टच किया है. सबके घरों में जाके खाना खाया है, सब बोलते हैं हमारे पास फोटो है, हमारे दादाजी के पास आए थे, नानाजी के पास आए थे. तो इट्स अमेजिंग, एंड आई फील एज अ सन हमें जो इतना सारा उनने यानी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दे दी, एंड हमें इतना फेमस बना दिया, एक नाम लगाया है. मेरा नाम रियल में वीरेंद्र रंधावा है, लेकिन एवरीबडी सेड दारा सिंह नेम मस्ट लिव ऑन, सो वी चेंज इट टू विंदू दारा सिंह. विंदू इज माई पेट नेम, एंड इट्स लकी. He is a great guy. He was a true Indian who loved the country. He was a poor man who rose from a very, very, very humble beginning and went on to become such a great legend. So it's amazing that we want the kids of India to read this comic. And if the kids realize that this is how inspiration should be, true live inspiration. So, how did it all happen? Comic? You see, there's this. फिल्म हमारी एब्सोल्युटली बनेगी. द दारा सिंह फिल्म विल बी समथिंग एल्स. इट विल बी आई थिंक मोस्ट लव्ड एंड बिगेस्ट हिट बिकॉज एवरीबडी लव्स दारा सिंह. सो वी हैव रिटन अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट एंड वी एक्सपेक्ट दैट मूवी टू डेफिनेटली स्टार्ट इन 2019. दैट्स अ प्रॉमिस. बट द कॉमिक, आई हैड वर्कड इन अ शो कॉल्ड पावर कपल, एंड देयर वाज अ गाय कॉल्ड कैलेब हु वर्क्ड विद मी. And he came up to me one day and said, I have this friend of mine, very close, called George. We make comics and he wants to really make a comic on Dara Singh Ji. And I said, we really would love that because we've been thinking about it a lot. And he made me see a very, very lovely comic that they'd made, but it had a lot of mistakes of English, Hindi words. And I said, listen, if a comic has to be made, it should be flawless. We took 1 year. I thought I'd take 2-3 months to make this comic, but we took 1 year. And in the last day also, when after everything was finalized, we were sent it for printing. Pandeji also put his heart and soul into the printing. We printed a 3D cover. And the last night, when the comic came, there was still one mistake in it. And I feel so sad that forgot should have been written as forget. But that's also upsetting because I don't want the children to read one word wrong. A comic should be perfect and there should be no mistakes. So the next edition that's printed shall have forget instead of forgot and a U instead of an I, Bindu. But the thing is ke, I think ye jo comic hai, bade dil se banayi gayi hai. Maruk Mirza ji ne ise itne pyar se likha hai. Aur hum log sab ne apni heart and soul dal ke ye comic launch ki hai. Ab India has to love its own superhero. Well, in this comic, you see, there's Caleb and George. They use their brain, they work so hard, and they told me, Vinduji, it should be like you are telling the story to your children. The same way as parents tell the stories to their children. So this movie, not the movie, the comic starts off with me telling my daughter and her friends about my father. They all talking about who's their superhero. Somebody says Superman, Batman, Iron Man. And my daughter says my dada. Dara Singh, and that's how the comic starts. And then we tell the story about my father in the comic. So it's a very beautifully written comic, and I'm sure everybody will love it, whoever reads it. So if we can, you know, like I said, the comic is based on the autobiography of Bindu Dara Singh. Is it right? No, it's nothing to do with me. I'm just telling my children about my father. This is his story, and nothing to do with us. We are just telling children that they have to listen to the parents. Yeah. Always listen to your parents. They are your gods. Then try and stay away from mobile phones and from full-time staying on, you know, full-time. The children are eating also with mobiles. Eat proper, healthy food. Nowadays, they have these crazy things. They see a game, video game is there. They see that video game and then they win a chicken dish, which is online. So these kind of things won't do. You better have that real stuff. That's what we are trying to teach them. Nowadays, children smell ghee and say, ghee, ulti aa rahi hai, so no. Have 4 spoons of ghee in that food and then you become strong and tough like we become because our parents made us have that. So are you looking forward to do an animated story on this thing? The first plan is to make the movie now next. This comic will keep on being made.
there'll be a next edition. It took 1 year for this one, so I think the next one might take 6 months, because now we've learned a lot. And the movie will definitely come. Ajay, the movie will be coming, so whom you want to be a role? The movie's already become 1 or 2 years late because of that. I think we have our father's blessings from up. Yeah. He usually tells us what to do. Yeah. And when he told us, yes, now you can launch my statue, we launched his statue on the 19th in Punjab on a chonk called Dara Studio Chonk. And now whoever goes from Punjab to Chandigarh can get his blessings. And they get a selfie from that and click it and send a selfie with Dara Singh Ji or selfie with Dara. And it's so wonderful to see that, because I keep getting those photographs. And statue of his in his wrestling pose reminds us of a great guy who represented our country. And now this comic is going to represent, remind us that this superhero was alive and kicking in this country. Well, lastly, you know how much you miss your father while making this comic? You see, I'm a person who sleeps in the night, he forgets about yesterday. But my father, you have to understand, is in my DNA, in my flesh and blood. And I'm so lucky and happy that I was born into this home. In this comic, I've not told the truth, but when I was a very small kid, I was very thin and puny. I would cry every day, I would cry and fall sick. And people would laugh at me, "Tu Dara Singh ka beta sara jhoot bolta hai." And I would feel very bad and come and say, "Dad, I feel I'm cursed to have been born as your son." I said, "Tu ruk ja, 8th standard mein aaja, uske baad main tujhe theek karunga." So 8th standard tak I waited, and then I came after the 8th standard got over, and he taught me how to just do dund, baithak and pull-ups. So I've tried to teach children through this comic that what you're supposed to start with. Don't just go to the gym. Do physical starting exercises. Then what happens is your body becomes perfect and stays forever. If you just go to the gym, it's not going to make your body. Now, Anytime Fitness is a fantastic gym that sponsored our comic. I think that's what we wanted, a gym sponsoring our comic. So you do push-ups, pull-ups, and then go to that gym. Then your body will never go. If you stop gymming after 6 months, you feel that your body is still there. And you go to the gym for 2 days and it's back. But if you've not done that freehand, you get a punch belly and you'll not feel like going to the gym. So that's a secret that I want to share with the children. Push-ups, sit-ups, pull-ups. That's the way you start off when you've grown as tall as you have to grow. I mean, around the 8th standard. Well, last but not the least, as you are the face of Big Boss, how much you are enjoying it, and like it's in finale stage, so who do you want to be a winner? Yeah, this is a problem that because I've been doing so many things. On the 19th, we launched Dad's statue. Yes. Then now we launched Dad's comic. So we've been so busy, that the first time in my life that I've missed out on Big Boss and not seen it. I saw it for the starting for 1 week, and I realized that this is not going to be a season which is going to be really, I'm going to be crazy about it. And I have a friend there, KV, yes, who was not doing great. So that was also upsetting me. I wish he would have met me and gone in there. I'd have given some guru gyan. Lekin, this is how it is. And this time Big Boss I've not been seeing, but I hear that Deepika is doing well, Romil is doing well, Shrishan is also pulling some crazy things inside. So they're all doing well, they're trying their level best. KB, they're saying he's not doing great. I feel sad for him because he's a very good close friend of mine. And I'm sure that next year Big Boss I shall support fully. And I'll try to catch Big Boss now, because tomorrow is the last day of this Comic Con. And then I'm going to get some free days before I travel for my New Year and Christmas vacations. I don't think I have much time. Yeah, lastly, Christmas and New Year message to all your fans. Well, Christmas and New Year message to all my fans is look after your body, try to stay away from the mobile phone, don't just get stuck to it, because then I see children and everybody just holding onto that phone the whole time. Social media is the next thing, it's very important, but try to give it some time and not the whole time. Try to put that app which tells you how much you're using the phone, and once you cross 2 hours, it should shut off. Yes. Thank you so much. Thank you for your time. Yep.